हेलो एवरीवन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आपका स्वागत है सो एस एस सी सीरियल टू इज अप्रोचिंग नाउ बस कुछ ही महीने बचे हैं प्रिसाइजली द एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड इन जून सो वैन द एग्ज़ाम इज सो नियर देन वी हैव सो मैनी डाउट्स बहुत सारे क्वेरीज हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं कैसे तैयारी करें क्या पढ़ें कितना पढ़ें क्या सही स्ट्रेटेजी होगी ये सब आजकल हमारे दिमाग में चल रहा है तो आज इसी टॉपिक को हम हैंडल करेंगे इस स्पेशल शो में एंड वी हैव ए स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर रविशंकर सिंह रविशंकर सिंह इज रैंक वन इन रैंक वन होल्डर इन एस एस सी टू थाउजेंड फिफ्टीन उन्होंने uh, एस एस सी सीरील में रैंक uh, वन हासिल की है दैट मीन्स ही वॉज टॉपर इन एस एस सी सो उनसे हम uh, जानेंगे इन uh, सारे प्रश्न के उत्तर और उनसे ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी कैसे uh, uh, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी और जो uh, चैनल चैलेंजेस जनरली लोगों को होते हैं वो उन्होंने किस तरह हैंडल किए तो uh, रविशंकर सिंह आपका uh, शो में स्वागत है थैंक्स फॉर कमिंग तो सबसे पहले तो रविशंकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आ, कैसा लग रहा है आपको आ, आपकी रैंक वन आई है एसएससी में एंड आई थिंक दिस इज़ ए ड्रीम कम ट्रू रैंक वन इज़ इट्स इट्स रियली बिग अचीवमेंट यस ऑब्वियसली रैंक वन तो कंट्री में एक ही होता है तो ऑब्वियसली इट्स ए गुड फीलिंग ए प्राउड फीलिंग एक्चुअली जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट की थी तो लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी तो मुझे ये श्योर नहीं था कि आई विल गेट रैंक वन मैं लोगों से कहा करता था कि आई विल गेट रैंक हंड्रेड समवेयर इन टॉप हंड्रेड आई विल गेट बट रैंक वन दैट्स दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी काफ़ी अच्छा लगा घर के लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई रियली आई 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 रियली अप्रीशिएट एंड इट्स रियली बिग अचीवमेंट सो रवि सबसे पहले uh, uh, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि uh, ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है और uh, Uh, सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है कि क्या सही स्ट्रेटजी है एस को क्लियर करने के लिए uh, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर एग्जांपल लेट्स से वी वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड वी हैव लेट्स से अप्रॉक्स थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स तो हमारा हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए ओके okay, सो so, अगर टू की टारगेट है तो सबसे पहले स्ट्रेटजी कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपनी असेसमेंट कर लेनी जरूरी है और असेसमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन बना लो और कंपेयर कर लो कि वो आपकी कट ऑफ से कितनी ज़्यादा है या कम है और सब्जेक्ट वाइज वाइज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप वो देख लो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की कट ऑफ वन थर्टी सेवन थी तो अगर आप इस साल कोई मॉक टेस्ट देते हो या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बनाते हो और अगर आपकी मार्क्स वन ट्वेंटी प्लस आ जा रही है अभी तो बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं टू थाउजेंड के पेपर Uh, बस आपको फोकस तीन चार महीने फोकस स्टडी करनी है और अगर आपकी उससे कम आ रही है तो तो भी आप ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेटजी बना सकते हैं बट उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपने वन फिफ्टी मार्क्स लिया है तो ऑबियसली यू आर डूइंग वेरी वेल यू आर बेसिक्स आर वेटी गुड सो यू शुड ज्वाइन टेस्ट एंड प्रैक्टिस एज़ मच एज यू कैन एंड फॉर जी अगर आपके जी में कम है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हो बाइट टारगेटिंग स्पेसिफिक थिंग्स और अगर आपकी कम है तो आप एक बार फिर से सारी चीज़ों की रिविजन शुरू कर दो ओके okay. तो जैसा आपने कहा आपने आ, ये कहा कि सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए एग्जाम की हम तैयारी शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले सेल्फ जजमेंट करना बहुत जरूरी है जिस... कि आज की डेट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे इसी के बेसिस पर बनाएंगे जैसा कि रविशंकर ने अभी हमें बताया कि आ, आपने एक मॉक टेस्ट दिया फॉर एग्ज़ाम्पल आप देते हैं एक मॉक टेस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम दैट मीनस सी जी उस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको पता लगता है कि आपने आ, आपका जो स्कोर है वो मैथ्स में अच्छा है रीजनिंग में भी आपने ठीक किया इंग्लिश में भी ठीक किया लेकिन जीएस में आपने रिलाइज किया कि बहुत कम है मेरे फाइव मार्क्स आए या टेन मार्क्स आए Uh, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि हाँ मेरे कौन से वीक एरियाज़ हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं तो जब मैं स्ट्रेटजी अपनी बनाऊँगा तो मैं इन चीज़ों को ध्यान रखूंगा फॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, जो मेरे वीक पॉइंट्स होंगे या वीक एरियाज़ होंगे वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा ऑफकोर्स yes, और जहाँ मेरा स्ट्रांग uh, है वहाँ पे मैं कम टाइम में uh, ही उसको कर सकता हूँ ऑफकोर्स yes, uh, आप uh, मैं एक तरीका बता सकता हूँ आप लोगों को जो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एस एस सी की टायर वन के लिए एक गुड स्कोर है फोर्टी फाइव इन मैथ्स फोर्टी फाइव इन रीजनिंग फोर्टी इन इंग्लिश एंड थर्टी इन जी एस ये एक स्टैंडर्ड स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं आपने दो तीन मॉक टेस्ट देने हैं फिर आपकी एवरेज स्कोर्स जो आएंगी आप कितनी मार्क्स ला रहे हो आप डिस्टेंस चेक करो कि आप कितनी पीछे छूट रहे हो और उस हिसाब से आप अपना स्टडी आवर्स अलोकेट करो फॉर एग्जाम्पल अगर जी में पंद्रह ही आ रहे हैं तो फिफ्टीन का डिफरेंस है तो आपको उस हिसाब से उसमें अलोकेट करना है अगर मैथ्स की टारगेट 45 है और ऑलरेडी आपके 45 आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम अलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है ओके okay. तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है रवि कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं okay. तो आ, आ, जनरली हमें कुछ बुक्स भी रेफ़र करनी होती हैं बुक्स पढ़ते हैं और एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हम मॉक टेस्ट भी देते हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली अपने आप को असेस करते रहते हैं तो uh, आपके परस्पेक्टिव से कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस पे हमें ज़्यादा फोकस uh, करना चाहिए एक्चुअली ऑल थिंग्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ जो तैयारी की सारी एस्पेक्ट्स हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग तो ऑबियसली आपको बुक uh, से ही स्टार्ट करनी है टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीआर फॉर मैथ्स और जी उसके बाद आपको कंपटिशन स्पेसिफिक कंटेंट्स भी पढ़ने हैं जो कि एस के लिए स्पेशली तैयार की जाती है और फिर आपको अपना लेवल असेस करने के लिए और मोर इम्पोटेंटली अपने लेवल में इम्प्रूवमेंट्स चेक करने के लिए मॉक टेस्ट काफ़ी जरूरी हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी तैयारी की हो सकता है आपका वन का लेवल है फिर आपने आ, सपोज मैथ्स में थर्टी थर्टी फाइव का आपका स्कोर है आपने एक महीने पढ़ाई की तो आपको तो लग रहा है अंदर से कि मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी हो गई बट अभी भी वो स्टैंडर्ड पे पहुंची है या नहीं वो आप मॉक टेस्ट से ही पता लगा सकते हो तो आप मेरा सजेशन है कि आप पीरियडिकली दो वीक या एक वीक के बाद एक एक मॉक टेस्ट देते रहो टू असेस योर इम्प्रूवमेंट इन प्रिपरेशन ओके okay. तो आप रिकमेंड करते हैं कि हम वीक में एक टेस्ट आ, अगर देते रहें yes. एक, एक या दो टेस्ट आ, पर वीक तो दैट इज़ ए गुड काइंड स्पेशली एग्जाम चूंकि बहुत नजदीक है तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है ओके okay. ओके okay. ओके, सो रवि ने हमें बताया कि आप जब आप तैयारी करें तो आपके पास लेट uh, से अभी तीन महीने हैं प्रिपरेशन के लिए तो इस ड्यूरेशन इस में आप अपनी टेक्स्ट बुक तो पढ़ें ही अपने कॉन्सेप्ट्स को तो स्ट्रॉन्ग करें ही पैरेलली मॉक टेस्ट भी देते रहें uh, ऐसा ना करें कि मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कर लूँगा और पढ़ लूँगा और एग्जाम से दस दिन पहले या पंद्रह दिन पहले मैं मॉक टेस्ट दूंगा राइट यस ओके Uh, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन uh, है रवि जो बहुत uh, बच्चों के दिमाग में होता है कि आइडली एस एस सी क्लियर करने के लिए कितने घंटे हमें डेली डिवोट करने चाहिए आपने कितने डिवोट किए थे एक्चुअली uh, ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस लेवल पे जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको uh, आपकी लेवल क्या थी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 2013 के और 12 के सारे प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन बनाए तो उसमें मैंने देखा कि फॉर मैथ्स मेरी लेवल ऑलरेडी सफिशेंट है रीजनिंग भी थोड़ी मेहनत से हो जाएगी बट जी और इंग्लिश के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैंने इंग्लिश में देखा कि 40 मेरी टारगेट स्कोर है और मेरे 30 ही बन रहे हैं तो मैंने वो 10 मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए पर वीक 10 से 15 घंटे इंग्लिश के लिए अलोकेट किया और जी मेरी 35 की टारगेट थी और मेरे को 25 आ रहे थे तो उसके लिए भी 10 से 15 घंटे अलोकेट किया और चूँकि मैथ्स और रिजनिंग की लेवल सही थी तो उसके लिए मैंने पर वीक पाँच घंटे और टू टेन आवर्स पाँच से दस घंटे लोकेट किया ओके okay. तो बेसिकली आपने जो स्ट्रेटजी बनाई वो पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई पर वीक के पॉइंट पर वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई बिकॉज ये काफ़ी जरूरी हो जाती है मैंने भी बनाई थी बचपन में कई लोग बनाते हैं डेली रूटीन्स कि सुबह में पाँच बजे उठ के दो घंटे तीन घंटे ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है एंड सो ऑन बट एक्चुअली रियल लाइफ में काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं फॉर एग्जांपल कुछ मैरिज सेरोमनी अटेंड करनी है या फिर कुछ फ्रेंड्स ही आ गए तो वो फिर रिदम बिगड़ जाता है तो इसीलिए मैंने एक प्लानिंग की अल्टरनेट अप्रोच ली कि मुझे वीक में इतने घंटे एक सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स पढ़ लेने हैं एनी हाउ इन एनी केस अगर एक दिन मिस भी हो गया बुक्स नहीं भी उठा पाए तो उसे नेक्स्ट टू थ्री डेज में मैनेज कर लूँगा तो स्टूडेंट्स uh, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है जो अभी रवि ने बताया है बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आप एक प्लान्ड वे में करना चाह रहे हैं तो यूजुअली uh, लोग डेली शेड्यूल बनाते हैं जैसा रवि ने बताया कि कुछ लोग बनाते हैं पाँच बजे उठना है मुझे साढ़े पाँच से साढ़े पाँच में जी एस पढ़ूँगा उसके बाद दो घंटे में मैथ्स करूँगा जनरली ये सब शेड्यूल फ़ॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो रवि ने जो शेड्यूल फॉलो किया दैट वाज ए वीकली शेड्यूल कि आपने अपने पूरे नेक्स्ट वीक का एक एजेंडा बनाया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ़ आवर्स आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफ़िक कंटेंट आल्सो कि नेक्स्ट वीक मुझे लेट्स से मैथ्स में नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है इंग्लिश में मुझे पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन या सेंटेंस करेक्शन कवर करना है इसी तरह मैंने जी में अपना एक एजेंडा uh, बनाया और फिर मैंने uh, उस वीक थ्रू आउट द वीक वो एजेंडा फॉलो किया तो उसमें ये मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किसी पर्टिकुलर डे मैं कम टाइम भी स्पेंड कर सकता हूँ और किसी पर्टिकुलर डे मैं ज़्यादा भी स्पेंड कर सकता हूँ लेकिन ओवरऑल आई हैव एजेंडा फॉर वन वीक विच आई विल अचीव इन वन वीक सो ये आई थिंक बहुत काम की चीज़ है और हम इससे इसको फॉलो कर सकते हैं तो रवि एक चीज़ और आ, मैं पूछना चाहूँगा आपसे जब आप तैयारी करते थे जब एस एस सी की तैयारी कर रहे थे तो आप कितनी देर सोते थे सोने का कितना आपका ड्यूरेशन था लोग बहुत पूछते हैं क्योंकि आ, आ, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि यार ज़्यादा पढ़ो और उससे आ, जो सोने का टाइम है वो कम हो जाता है सो पी विल हैव क्वेश्चन ऑन दैट हाउ मच टाइम यू यूज़ टू स्लीप ओके सो आइडियली स्लीप की डेढ़ डेढ़ घंटे की साइकिल्स होती हैं और साइंटिस्ट लोग आ, बताते हैं कि मिनिमम चार स्लीप साइकल्स आपको पर डे लेनी चाहिए इट मीन्स छः आवर्स तो मैं थोड़ी ज़्यादा ले, ले लेता था साढ़े सात घंटे फॉर एग्ज़ाम्पल छः एक बार नाइट में और डेढ़ घंटे की एक नैप दिन में क्योंकि वो जो नैप एक बार दिन <coughs> में लिया उससे ब्रेन फिर से रिफ्रेश हो जाता है आप अगर सुबह से पढ़ाई शुरू करोगे तो दोपहर तक आते आते थक जाता है तो अगर एक आप ले सकते हो नैप बीच में डेढ़ घंटे की तो फिर से ब्रेन फ्रेश महसूस होगा या फिर आप वन एट ए टाइम भी साढ़े सात घंटे की ले सकते हो बट ये ध्यान रखना है कि जो सिक्स आवर्स बताया गया है वो फिक्स्ड रखना है उससे कम कभी नहीं जाना इवन एग्जाम टाइम्स में दैट इज़ वेरी क्रिटिकल सिक्स आवर्स से कम नहीं जाना कभी नहीं जाना तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है अगर आप स्लीप से कंप्रोमाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्टडीज़ को भी इम्पेक्ट करेगी अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ रवि सैड कि सिक्स आवर्स इज रिकॉमेंडेड कि आपको कम से कम छः घंटे तो सोना ही चाहिए और आप कंटिन्यूसली दो, दो तीन तीन घंटे सो रहे हैं तो जो आप बाकी टाइम में पढ़ रहे हैं उसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी तो ये ध्यान रखें इस एस्पेक्ट का कि अपना uh, जो डे का प्लानिंग है अपनी स्टडीज़ की प्लानिंग है इस तरह रखें कि आपको प्रॉपर स्लीप मिले थ्रू आउट द डे यू शुड नॉट फील टायर्ड यू शुड नॉट फील स्लीपी बिकॉज इफ यू फील फ्रेश एंड यू फील दैट यू आर एब्जॉर्विंग थिंग्स एंड यू आर लर्निंग थिंग्स देन योर प्रोडक्टिविटी कम्स आउट रियली गुड वो आप बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें चीज़ सीख पाते हो तो रवि एक uh, एक और uh, बहुत इम्पोर्टेंट uh, एस्पेक्ट है कि uh, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि एस में सीट्स बहुत कम हैं आठ से दस हज़ार सीट्स हैं बेसिकली नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट्स आर ह्यूज। तो जब भी कोई प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि क्या मेरा हो पाएगा क्या मेरा नहीं हो पाएगा और ये एक फियर ऐसा भी है जो एफिशिएंसी को भी इम्पेक्ट करता है तो मैंने देखा है कि Uh, uh, कुछ uh, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और दे आर शार्प एंड दे रियली वेल बट मैं न नह, नहीं करूँ तो आपका क्या कहना है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो वहीं पे इनर असेसमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेना है कि करना है या नहीं करना अगर करना है तो फिर पूरी जी जान से जुट जानी है अगर नहीं करना तो छोड़ देना है बट ऐसे डर डर के कि होगा नहीं होगा वैसे न सिर्फ टाइम एक्चुअली इफ़िशेंसी लूज़ होती है बट आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो दो घंटे की सीटिंग है उसमें आधे घंटे यही सोच चलते रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा और वो जो निगेटिविटी आती है वो अगले शेड्यूल अगले स्टडीज़ को इम्पैक्ट करती है तो आप एक बार सोच लिया कर लेना है तो कर लेना है और एक्चुअली भले नंबर ऑफ स्परेंट्स ज़्यादा है लेकिन जो कट ऑफ जाता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ईजिली निकाली जा सकती है क्योंकि आपको नंबर ऑफ एस्परेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द स्पेडेंट्स वो ऐसे ही फॉर्म डाल रहे हैं सीरियस कैंडिडेट्स पंद्रह लाख में से दो लाख ही हैं जो कि रेस में हैं तो आपको पंद्रह लाख से नहीं डरना और आपने एक बार अगर सही से पढ़ाई करनी शुरू कर दी जो रिक्वायर्ड है जो कंटेंट जैसे प्रिपेयर करना है अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो निकालने से कोई रोक नहीं सकता तो ये रवि ने बहुत आ, एक आ, अच्छा एस्पेक्ट बताया है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर तैयारी करने से पहले सोच लें डिसाइड कर लें सब कुछ सोच के तभी तैयारी शुरू करें लेकिन एक बार आपने तैयारी शुरू कर दी तो फिर आप सब कुछ भूल जाएं। फॉर गेट एवरी थिंग नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स दिस एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं एस एस सी दैट शुड बी द एम ऑफ योर लाइफ सब कुछ उसी के अराउंड होना चाहिए एंड इससे एक और चीज़ होती है कि जब आप एक सिंगल एम के साथ काम करते हैं तो uh, आपकी सारी एनर्जीज़ uh, एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज होती हैं आपकी थिंकिंग आपका आपका खाना पीना रहना सहना सब कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट करता है एंड दैट इज़ हाउ यू यू कैन क्लियर योर यू कैन अचीव योर टारगेट अचीव योर गोल यहाँ रवि एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि uh, uh, कई बार क्या होता है बिकॉज इट्स अ कम्पटिशन और सीट्स uh, भी लिमिटेड ही हैं तो कई बार हमारा नहीं हो पाता और दो हम एफर्ट्स करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और यही एक रीज़न बनता है इंटरनल uh, फ्रस्ट्रेशन का कि आप मैं बहुत कैपेबल हूँ बहुत अच्छा हूँ एंड आई नो दैट बट मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुझे uh, मुझे uh, मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो और जबकि मैं अच्छा हूँ मुझे पता है तो आ, मुझे क्या करना चाहिए हाउ आई शुड मोटिवेट माई यार मुझे फिर से उसको ट्राई करना है ओके okay. सो so, सबसे पहले तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोगों में बार बार सक्सेस नहीं मिलती उसके चलते फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी रीज़न ये है कि लोग कई सारे अप्लीकेशन दे देते हैं कई एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर देते हैं और हर एग्ज़ाम में बिना कम्प्लीट प्रिपरेशन किए अपीयर होते हैं और एज ए रिज़ल्ट क्लियर uh, नहीं कर पाते तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी स्टडी की नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं या आप पढ़ा मेहनत नहीं कर रहे आप एक्चुअली हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर सकते एक ही बार में कि एस के लिए भी कर लिया या फिर रेलवे uh, के लिए भी कर लिया या फिर यू के लिए भी कर लिया सारे एग्जाम्स की एक साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं फ्रस्ट्रेशन की तो आप इनिशियली uh, बाकी सारे एग्ज़ाम्स छोड़ दो बस एक एग्जाम पे फोकस रखो फॉर द टाइमिंग सपोज 2017 की सी है वो आपकी टारगेट है तो फिर भूल जाओ कि इस बीच में जो भी अदर पेपर्स आ रही हैं उसको इग्नोर कर दो सेकेंड चीज है कि फ्रस्ट्रेशन जहाँ तक की बात है रिजल्ट आ रही है नहीं आ रही है या फिर मुझे एक साल में निकाल लेना है नहीं तो फिर क्या होगा वो सारी थाट्स दिमाग में लाने ही नहीं है गी, गीता में एक कोट था जो कि काफ़ी सही अप्लीकेबल है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो इट मीन्स कि आप एग्ज़ाम के लिए बस प्रिपेयर कर सकते हो नाइन्टी परसेंट आपकी एफर्ट है टेन परसेंट लक है तो आप क्या कर सकते हो ये नाइन्टी परसेंट पे पूरी तरह फोकस कर सकते हो कि मुझे एटलीस्ट जो नाइन्टी परसेंट मेरे हाथ में है उसमें कुछ कमी ना छूटे अगर वो कोई लक वगैरह आ जाता है तो वो अपने हैंड में नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी और अगर रिजल्ट नहीं भी आती है सपोज दो में दिया और नहीं आया तो इसमें कोई भी फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है अगर आपने अच्छा से दिया तो ऑफ़ कोर्स आप 2018 के लिए ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना चुके हो तो बस थोड़ी सी और पुश कर करनी है और 2018 क्लियर हो जाएगा तो एक फेलियर को दूसरे का सक्सेस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी ट्राई करनी होगी थोड़ी थिंकिंग करनी होगी कि अगर आप एक, एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्यों क्लियर नहीं हुआ क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की अब वो वो मिस्टेक्स मैं नहीं करूँगा आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये ये चीज़ें अगली प्रिपरेशन में अवॉइड करनी है और आप उस उससे मोटिवेशन लो कि अच्छा ये मत सोचो कि मैं पिछली बार ऑफ से पाँच मार्क्स से पीछे रह गया आप ये सोचो कि बस पाँच ही मार्क्स से पीछे था अगर मैं तीस मार्क्स और ऐड कर दूं तो मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा तीस मार्क्स हर पेपर में पाँच से दस मार्क्स है नॉट ए बिग डील वो आप इम्प्रूव कर सकते हो इजली तो ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सब के लिए कि आप अपनी फेलियर्स को ही सक्सेस का स्टेप स्टोन बनाएं जहाँ आप फेल हुए उसको एनालाइज़ करें क्योंकि उन्हीं फेलियर से आपको पता लगता है कि कहाँ आप लैग करते हैं और कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो जैसा रवि ने कहा आई टोटली एग्री विद हिम कि अगर आप पाँच मार्क्स से रह गए हैं तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे हैं यू आर वेरी क्लोज टू योर टारगेट सो यू शुड थिंक द अदर वे राउंड कि अब आप जब नेक्स्ट सीजियल टू या एटीन में अपियर होंगे तो आपके पास एक एडिड एडवांटेज है आप एक पहला एग्जाम दे चुके हैं तैयारी कर चुके हैं एंड लास्ट टाइम यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल विच मीन्स दैट दिस ईयर योर सक्सेस चांसेस विल बी क्वाइट हाई सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड टेक दिस इन ए पॉजिटिव वे फ्रेंड्स आज हमने बहुत सारी रवि से बात की और बहुत कुछ सीखा हमने उन्होंने जो अपनी सक्सेस uh, स्टोरी uh, से रिलेट हमें एस्पेक्ट बताए अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड और जो जिस तरह की उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो की uh, वाकई वो बहुत कुछ सिखा सकती है हमें तो रवि बिफोर वी क्लोज द शो वुड यू लाइक टू गिव सम फाइनल थॉट्स टू आवर स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहेंगे हमारे एस्पायरेंट्स uh, से अब? जैसे अभी एग्जाम में करीब तीन से चार महीने का टाइम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है वो तीन चार महीने हर एस्पिरेंट्स के पास है किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है बस अगर आपको रेस में आगे निकलनी है तो बस एक मंत्र दिमाग में रखिए कि टाइम अभी से वेस्ट नहीं करना है जितना भी टाइम है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करो इस अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह फोकस्ड होके कोई भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है अदर थिंग इज़ आप अभी से जो सौ दिन है एक दिन है उसको डिवाइड कर लो कि आप कितने आवर्स पढ़ाई कर सकते हो उसको आप एलोकेट कर लो सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी रिक्वायरमेंट है और आप फोकस्ड होके तैयारी करते रहो और अगर टाइम वेस्ट नहीं किया तो आई कैन गारंटी यू आपका निकल जाएगा सो दैट वाज द शो एंड आई होप आप सब ने uh, बहुत कुछ सीखा होगा इस शो से सो रवि थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल Okay, thank you, sir, for giving me the opportunity to uh, present my views and my strategy to the aspirants. I, I hope that they find ye helpful. Lage. Thanks for coming on the show. Okay, thank, thank you, sir. You.